हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर आवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और जैसे कि आपने में देख देखी लिया है कि असेंचर ने अपने रिजल्ट को रिपोर्ट किया है ओके और उनके जो रिजल्ट है काफी अच्छे रिजल्ट आते हुए दिखाई दिए अगेन दिस क्वार्टर के Uh, अगर हम बात करें ईयरली बेसिस पे स्ट्रीट को बीट करने में वो थोड़ा सा नाकामयाब कामयाबी रहा है ओके अगर बात करें वो भी थोड़ा सा ही ना के बराबर ही बट स्ट्री uh, अगर हम बात करें वो शेयर अगेन भागता हुआ दिखाई देगा और बात करें इंडिया में उसका क्या फायदा होता हुआ दिखाई देगा और ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो अंडर परफॉर्म कर रहे आई टी के जो कि यहाँ पर भागने का पूरा दमकम रखते हैं उन स्टॉक से रिलेटेड बातें करेंगे बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो डेली बेसिस पर मिलती रहे बाकी दूसरे वीडियो

प्लेलिस्ट को बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है। और आइए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं

यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है तो कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया इसके अलावा एक चीज और देखे तो यहां पर देखेंगे बस एक चीज में यहां पर देखा है यहाँ पर रिवेन्यू देखिए यहाँ पर रिवेन्यू जो यहाँ पर एट आ, यहाँ पर देखा गया था एक्सपेक्टेड था 13.47 बिलियन बट अगर हम यहाँ पर देखें कंपनी ने यहाँ पर पोस्ट किया है 13.42 तो ना के बराबर थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस है पॉइंट जीरो फाइव का बाकी यहाँ पर कंपनी ने अच्छा खासा एक्सपेक्टेशन को बीट किया है ईपीएस में फॉर द ईयर द कंपनी रिपोर्टिंग प्रॉफिट मतलब फाइव बिलियन डॉलर का यहाँ पर इन्होंने प्रॉफिट बुक किया है uh, यहाँ पर रिपोर्ट किया एज वेल एज और नाइन पर शेयर यहाँ पर इनका बढ़ता हुआ नजर आया रेवेन्यूज रिपोर्टेड थ्री बिलियन यहाँ पर इसके ये रेवेन्यू एज वेल एज ये प्रॉफिट और ये पर शेयर पे पर यहाँ पर, uh, पर दिखाया गया एज एज वेल हम बात करें फॉर क्वार्टर एंड इन दिसंबर एसेंचर इट इट द रेंज ऑफ थर्टीन पॉइंट नाइन बिलियन टू फोर्टीन पॉइंट थ्री फाइव देखिये यहाँ पर अब यहाँ पर अभी इनकी रेवेन्यू कितनी हुई है थर्टीन पॉइंट नाइन बिलियन बट अगर बात करें यहाँ पर दिसंबर में जो इनके रिजल्ट आते हुए दिखाई देंगे क्यू वन के तो यहाँ पर हमारे रिजल्ट होंगे क्यू थ्री के तो यहां पर अगर हम बात करें इनकी जो एक्सपेक्टेशन है क्या एक्सपेक्टेशन है कि ये थर्टीन पॉइंट नाइन बिलियन की रिवेन्यू के साथ को बढ़ा के फोर्टीन पॉइंट थ्री फाइव बिलियन डॉलर की यहाँ पर रेवेन्यू बढ़ाते हुए दिखाई देंगे तो इट इज यहाँ पर क्या शो हो रहा है यहाँ पर शो हो रहा है कि यहाँ पर आई में अभी भी बुल रन चालू रहेगा और ये बुल रन यहाँ पर अभी खत्म नहीं होने वाला है यहाँ पर दूसरी और भी यहाँ पर न्यूज पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं सारी की सारी यहाँ पर डिटेल्स दे रखी है फॉर द फोर्थ क्वार्टर रेवेन्यू इंक्रीज ट्वेंटी इन यूएस यूएस में ट्वेंटी बढ़ा है डॉलर एंड ट्वेंटी लोकल करेंसी थर्टी बिलियन ई पी एस इंक्रीज इलेवन परसेंट यहाँ पर ये सब चीज़ दे रखा है यहाँ पर किस तरीके से इनका ईपीएस बढ़ा है यहाँ पर सब चीज से रिलेटेड यहाँ पर डिटेल्स दे रखी है तो यहाँ पर आप जाके एक बार देख सकते हैं जियोग्राफिकली क्या पर होता हुआ दिखाई दिया है यहाँ पर पूरी की पूरी एक हमारे आइडिया आ गया है कि आईटी के कंपनी के रिजल्ट आगे भी अच्छे ही आने वाले हैं और टॉप की जो आई कंपनी है वो तो अच्छा परफॉर्म करेंगी बट यहाँ पर ऐसी हम देखिए बहुत सारी कंपनीज जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं जो कि यहाँ पर फ्यूचर में और अच्छा परफॉर्म करेगी देखिए यहाँ पर जो बेस्ट कंपनीज है उनमें तो आपको रहना ही ऑब्वियसली बात है अगर आप उनमें रहते हैं तो यहाँ पर पैसा आपका बनता हुआ दिखाई देगा ही ओके करते हैं बट इतने, 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 इतने रिटर्न पर कैप और कैप देते हुए नजर आएंगे बट लार्ज कैप में यहाँ आप पर आपको एक सपोर्ट एक फायदा रहेगा कि यहाँ पर कभी भी कुछ नेगेटिव न्यूज आती है तब भी यहाँ पर ये स्टॉक्स को हिलाया नहीं जा सकेगा बल्कि दूसरे स्टॉक्स को बहुत जल्दी यहाँ पर गिरते हुए नजर आते हुए दिखाई दे सकते हैं तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो बेस्ट स्टॉक्स तो ये है ये इनकी तरफ तो आपको ध्यान देना ही है जो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं बट कुछ स्टॉक्स है जो मुझे अंडर वैल्यू नजर आते हैं उससे रिलेटेड हम यहाँ पर बात करेंगे तो सबसे पहले स्टॉक्स का नाम अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर टेनला प्लेटफॉर्म टेनला प्लेटफॉर्म से रिलेटेड यहाँ पर मैंने वीडियोज बनाई थी जब ये स्टॉक्स यहाँ पर ट्रेड कर रहा है सेवन हंड्रेड रुपीज़ के आसपास तब एट हंड्रेड रुपीज़ के आसपास कह सकते हैं जब ये ट्रेड कर रहा था आज की डेट में एट फोर्टी सेवन है थोड़ा सा पॉइंट जीरो टू परसेंट की यहाँ पर गिरावट और टारगेट क्या है इसके यहाँ पर अगर हम देखें थाउजेंड रुपीज के आसपास के और यहाँ पर तेरह सौ रुपीज के, के यहाँ पर टारगेट नजर आते हैं तो काफी है बात। बात, है। नजर आ रहा है और जब ये ट्रिपल टॉप बनता हुआ नजर आता है देखिए एक दो और यहाँ पर तीन तो ये शेयर जब निकलेगा तो यहाँ पर आपको अच्छे खासे बेहतरीन रिटर्न देता हुआ नजर आएगा कब भी पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है और अच्छे खासे आर एस आई पे यहाँ पर शेयर चल रहा है

फिर रैली यहाँ पर कंसोलिडेशन फिर रैली तो इसी तरीके से यहाँ कंसोलिडेशन फिर रैली तो यहाँ पर इसके लिए तैयार रही है इसके अलावा तीसरे स्टॉक्स की बात करें तो तीसरा स्टॉक्स बार बार वीडियो बना के आपको बताया है दो तीन दिन पहले भी बताया था जब ये यह शेयर यहाँ चल रहा था यहाँ पर ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए ली यहाँ पर ही बताया है। तो आज यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर भाग चुका है आज भी अच्छा खासा भागा था 1.16 दिखा रहा है बट पर आ, शुरु, आ, बात करें वन पॉइंट वन सिक्स परसेंट भागा था अगेन यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी बन रही है यहाँ पर देखिए इसने आज के दिन में ब्रेकआउट भी दिया था वो फेल होता हुआ नजर आया बट पर कभी भी ये भाग शेयर भागेगा और यहाँ पर देखिए इसी तरीके से कंसोलिडेशन फिर भागा फिर कंसोलिडेशन फिर भागेगा पोल एंड फ्लैग बनाता हुआ नजर आएगा तो इसकी तरफ ध्यान दीजिए इसके अलावा फोर्थ स्टॉक्स की बात करेंगे जो की सेकेंड लास्ट स्टॉक्स है यहाँ पर केपीआईटी एपीआईटी और बिरला सॉफ्ट में क्या नजर आ रहा है देखिए यहां पर बिरला सॉफ्ट बी सॉफ्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए सेम भाग रहा है भागा आज थोड़ा सा फिर यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया आ, लंबा कंसोलिडेशन और के पी आई टी की बात करें तो इसका ही छोटा भाई है ये भी तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक कंसोलिडेशन आज भागा थोड़ा सा और यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया सेम चार्ट पैटर्न बना रहा है इसने इसका हाई थोड़ा सा ऊपर है ब्रेकआउट नहीं है थ्री एटी फोर से यहाँ पर नीचे गिरा है कंसॉलिडेशन जब भी फिफ्टी डीएमए पे आता है ऑलवेज बताता हूँ शेयर को यहाँ पर पिक कर लीजिए फिफ्टी डीएमए पे आया था ऊपर भागता हुआ नजर आ रहा है शेयर यहाँ पर बेहतरीन रिटर्न इस बार फोर

एक चीज दिखाना चाहूंगा क्या कि जब से इसने रैली बनाई है कभी भी 50 डी के आसपास नहीं आया एंड दिस इज द टाइम व्हेन इट कम्स टू 50 डी अगर 50 अगर के आसपास एम शेयर के पर ट्रेड कर रहा है शेयर एक बेहतरीन वैल्यू पर मुझे नजर आती है और यहाँ से अगर हम देखें तो शेयर यहाँ पर जब ये 1600 के पे आया था तो उस टाइम लगभग जुलाई था और लगभग तीन चार महीने का कंसोलिडेशन इस शेयर ने देख लिया है ओके हर बार ट्राई करता है हर बार फेल हो जाता है हर बार ट्राई करता है फेल हो जाता है बट इस बार यहाँ पर जब ट्राई करेगा तो यहाँ पर एक छोटा सा कब

Segment. यहां से हमने इसे लिया ये देखिए टेन परसेंट के यहाँ पर टारगेट है बट ये टेन ही यहाँ पर जब रैली दिखाएगा एक पोलन फ्लैग की है देखिए पोल फ्लैग यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये पोल बनाया था यहाँ पर ये यह फ्लैग बना रहा है और यहां पर फिर पोल बना के यहाँ पर निकलते हुए नजर आ रहा है 50 DMA. 50 DMA को रिस्पेक्ट बहुत सारी करती है है ये भी कर रहा है। और यहाँ पर देखे तो इसको ये कहाँ पर था इसी टाइम था ये जब ये शेयर भागा था अगेन डीएमए पे आ रहा है तो इस शेयर को मेरी तरफ से बाई है मैं इसमें कल की डेट में यहाँ पर दोबारा बाई करने वाला हूँ मॉर्निंग में ही और यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर बाई करिएगा बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है इन पांच शेयरों को नजर में रखिएगा मोस्टली शेयर पर ऑलरेडी ऑल टाइम हाई बना चुके हैं है, चुके हैं अगेन ये नए ऑल टाइम हाई की तरफ भागते हुए नजर आएंगे वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करें ताकि इस तरह की वीडियो डेली बेसिस पे मिलती रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस